तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे होने चाहिए कमेंट करके बता देना, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने चाय बनाई है हमारी धर्मपत्नी के लिए, क्योंकि ये बीमार है, और अभी कैमरे के पीछे जो है हमारी धर्मपत्नी है। तो मैं इसमें से चाय पत्ती सारी निकाल के इसमें डाल रहा हूँ चलने में। तो ऐसा क्या है, ऐसा करना पड़ता है। ये वाली ट्रिक हमने हमारी धर्मपत्नी से सीखी है कि मैं काला काला लग रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:48, और मैं जस्ट अभी नहा कर आया हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मैंने खाना बनाया, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी जो है उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने खाना बनाया, चाय मैंने बनाई, खाना मैंने बनाया, सब कुछ मैंने करा। बाबू खाना खिला दिया, खाना खिला के वो सो भी गए, वापस से दवाई भी दे दिए। और अब देखो मैं नहा लिया हूँ, तो अब मेरे पास ना भूपेंद्र जी आ रहे हैं, तो मुझे उनके साथ जाना है, क्योंकि उनका कंप्यूटर जो है काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ है। तो उसको जाके देखना है, और देख के फिर उसको ठीक करना है अगर मेरे से हो जाएगा तो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा है। मतलब उन्होंने बताया था लगभग कि 3-4 साल से वो बंद पड़ा है। तो जाके एक बार देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। बाकी वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, तो मेरे हिसाब से मे भी वो ख़राब हो गया रहेगा, या उसकी पीसीबी और जो उसके रजिस्टर्स हैं वो शायद से ख़राब हो गए रहेंगे। तो कोई नहीं, पर अभी देखते हैं। और मैं भी ना, मेरे एक शॉर्ट्स जो मैंने सुबह डाल दिए वो तो डल चुकी है, पर एक और शॉर्ट्स जो है वो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, जो कि मैं शाम को डालूंगा। और बस ना ऑफिस चल जाता हूँ, शॉर्ट्स फीड में जाने में थोड़ा बहुत टाइम तो यूट्यूब लगाता है, तो उस वजह से क्या है फिर वो शॉर्ट्स चलती नहीं, तो लोग देखते नहीं, तो अपने व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो मन उदासा रहता है। बात यही बात है। तो अब आर मु का करूँ भाई साहब, मैं तैयार होंगे शॉर्ट्स तैयार कहाँ होना, जो अच्छा कुछ उठूँ, मतलब ये हमारी और लैंग्वेज में हमारे अब आर मतलब क्या करूँगा, मैं तैयार होकर निकल जाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट्स पे वॉइस ओवर देखकर भैया कैसी बात होती है, ठीक है, पता नहीं थोड़ी देर बाद। सही है, ये कारनामे चल रहे हैं अभी हमारे। एक उधर डाल दिया पानी में, ये तो गंदा कर रखा भाई साहब। इसे कितने सालों से चलाया सर? चलाया तो 2022 तक चलाया। हाँ, 2 साल से बंद पड़ा है, क्या बात है, करते हैं भैया मेहनत मजदूरी, पैसे मिलेंगे हम किसके। इधर मदरबोर्ड सूखने के लिए रखा है, इधर हमने पावर सप्लाई भी खोल दी, ऊपर मेरे से भूख तो मरवा दी था इसमें हमने, पर काम नहीं आया। चलो भाई साहब कितनी गंदी हो रखी है, सब क्या तोड़ रखा आपने इसमें कुछ, क्या तोड़ा है जब आप 15 साल वाले 15 साल पुराने कंप्यूटर को खुलवाते हो, कहीं पे भी गंदगी ख़त्म ही ना होती इसकी। भाई इसको मैंने साफ किया फूंक मार मार के, और इसकी भी सफाई चल रही है अभी। बढ़िया, ऐसा ही होता है, जब वर्ष बीत जाए और सफाई सफाई नहीं करते हैं तो। कौन सी मिल गया? वाला सिस्टम चालू कर रहे हैं, समझ जाओ वही है। अरे गुरु इधर रह गई, यहाँ धूप रह गई, ए धूल रह गई, यहाँ धूप नहीं रही, धूल रही। पकड़ो इधर से, मारो ये केबल है, मत तोड़ देना, एक भी जोड़ने का सिस्टम नहीं है अपने पास कुछ भी। हाँ, एक भी केबल टूट रही, ख़त्म। मारो मारो, शाबाश शाबाश। इधर ऊपर की तरफ भी करो ब्रश। भाई साहब मेरा कपड़ा देखो, अभी लाली मारेगी मेरे को। बूम 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 बूम, भाई साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी ये मारा चलने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करूँ। इसमें प्रोसेसर है AMD एथलॉन, नहीं चल रहा फिर भी, कोई ना, आप देखते हैं इसका क्या होता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी ये भाई साहब चालू नहीं हुआ है, मतलब शायद से मेरे को ना इसमें रैम का लफड़ा लग रहा है। अगर ये हो जाएगा तो मतलब रैम हम ट्राई करते हैं, भाई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रैम नहीं था ना, तो हम कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते थे वहाँ पर। खैर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, भूपेंद्र जी चाय लेने गए हैं, और मैं अपने सामान समेट लेता हूँ, जो जो भी मैं लेकर आया था, स्क्रू ड्राइवर, 2-4 चीज़ें थी। मैंने सोचा था कि भाई चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कल डिस्प्ले का लफड़ा है, तो डिस्प्ले का लफड़ा रैम से रहता है या फिर प्रोसेसर हीट ज़्यादा मार रहता ना, उसकी वजह से भी रहता है। तो अभी
प्रोसेसर भी भाई इतना हीट गर्म नहीं हो रहा है, तो देखते हैं अभी क्या चक्कर है इसका, कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी देखते हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको चालू कैसे कर सकते हैं। खैर अभी हम कल ने हमने सोचा है कि मंडे को एक जुगाड़ लगाएंगे, तो उसकी वजह से शायद ये चल जाए। तो अभी मस्त देखते हैं ना क्या होता है। ठीक है।